हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आया हुआ हूं धौलपुर में शेरगढ़ किले पर, और इस किले को मैं आपको दिखलाता हूं। और ये एक ऐसी जगह पर स्थित है बिल्कुल चंबल नदी के किनारे। तो चलिए मैं चलता हूं, आपको इस किले के अंदर लेके चलता हूं। और यहां पर कोई टिकट एंट्री नहीं है, कोई टिकट नहीं लगती है, आप फ्री आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर। शेरगढ़ किला राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस किले को धौलपुर किले के रूप में भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने एक पूर्व हिंदू किले के स्थल पर करवाया था। पहले यह किला एक धार्मिक स्थल था और भगवान शिव को समर्पित था। ये किला इस समय यहाँ वीराना पड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही कम लोगों का आना जाना होता है। शेरगढ़ का किला धौलपुर में घूमने की एक बहुत ही अच्छी जगहों में से एक है। और शेरगढ़ का किला धौलपुर में, धौलपुर से 7 किलोमीटर आगे बिल्कुल चंबल नदी के पास जाकर बना हुआ है। इसके बराबर से चंबल नदी निकलती है और चंबल घाटी, जो कि डाकुओं की शरण स्थली रहा है। और इस किले में भी कई मंदिर हैं, राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर और दरगाह परिसर भी है। यहाँ एक धार्मिक स्थल भी है, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य जगह है देखने के लिए। और ये आप इसके बराबर में सब किले के चारों तरफ आप देख रहे हैं चंबल घाटी। यह किला 500 साल से अधिक पुराना बताया जाता है, जो कि अब खंडर में तब्दील हो गया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इस किले को पहली बार 1532 में राजा मालदेव ने बनवाया था। बाद में शेरशाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किले का जीर्णोद्धार कराया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक शेरगढ़ किले का उपयोग किया जाता था। यह किला मंत्रमुग्ध करने वाली छवियों, हिंदू देवताओं की सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां और नाजुक जैन रूपांकनों से सजा हुआ है। दोस्तों, इस समय हम किले के अंदर हैं। एक ये प्राचीन हनुमान जी का ऐतिहासिक मंदिर है, इसको भी आपको दिखलाएंगे। और चलिए इधर चलते हैं, ये दरगाह परिसर है। और देखिए, इस दरगाह परिसर में यहाँ बैंडेड क्वीन फिल्म की शूटिंग की गई थी। और यहाँ बताते हैं कि यहाँ करीब 20 दिन यूनिट रही थी, और 20 दिन यहाँ स्थिति रही थी जंगलों में और इस दरगाह परिसर में और भी कई जगह खंडरों में, जो कि अब यहाँ खंडर रूपी किले में तब्दील हो चुका है। तो दोस्तों, मैं दरगाह परिसर के अंदर चलता हूँ और आपको अंदर से दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, इस शेरगढ़ किले में ये दरगाह भी है, और ये मैंने आपको दरगाह दिखलाया। यहाँ पर इस समय कोई नज़र नहीं है, जिससे कि हम किसी से जानकारी हासिल करते। और ये राजस्थान सरकार देवस्थान वन विभाग धौलपुर सहायता प्राप्त श्रेणी दरगाह श्री सैयद श्री काले खां किला शेरगढ़ धौलपुर। और इस किले में मैंने काफ़ी जगह भ्रमण किया, और मैं आपको काफ़ी दुर्लभ और इस किले की दीवार से चलकर मैं आपको बाहर का बीहड़ का नज़ारा दिखाता हूं, और यहां से दूर चंबल नदी भी दिखाई देती है।
इस समय दोस्तों हम किले वाले हनुमान जो शेरगढ़ किला है उसमें ये हनुमान जी का मंदिर है, तो हम हनुमान जी के मंदिर में हैं इस समय। ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो देखिए आपको दिखाते हैं वीर बजरंगी हनुमान जी। इस किले में ये प्राचीन हनुमान जी का मंदिर भी है और यहाँ पर इस समय कुछ कथा भागवत चल रही है। ये भोले शंकर का मंदिर है, यहाँ शिवलिंग विराजमान है। इस किले में कई मंदिर हैं और यहाँ जो डाकू लोग चंबल में रहा करते थे वो भी इस मंदिरों में दरगाह परिसर में यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने आया करते थे और माँ काली की आराधना करते थे और यहाँ के मंदिरों में वो अपनी मन्नतें मांगा करते थे। आज भी इक्का दुक्का डाकू इस मंदिरों में आते हैं। दोस्तों इस समय हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ से चंबल नदी दिखाई देती है, चंबल नदी और बीहड़। तो चलिए हम चलते हैं और देखिए कितना घना जंगल है। दोस्तों मैं अब इस किले की प्राचीर से चंबल और चंबल घाटी दिखलाता हूँ, जहाँ इस चंबल घाटी ने बड़े बड़े डाकू पैदा किए, जिसमें पुतलीबाई, सुल्ताना डाकू, डाकू मानसिंह, पानसिंह तोमर, फूलन देवी, डाकू घनश्याम, छविराम और भी काफ़ी नाम है, जो कि बहुत लंबी लिस्ट है। चलिए ऊपर की तरफ। ये देखिए दोस्तों, इस शेरगढ़ किले की प्राचीर से आप देख रहे हैं चंबल नदी और दूर दूर तक फैला हुआ चंबल के बीहड़, जो कि डाकुओं की शरण स्थली हमेशा रहा है। और ये सामने आप देख रहे हो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, जो कि दिल्ली से मुंबई के लिए है और भी सब जगह के लिए जाता है। और सामने ये आप चंबल नदी का विहंगम दृश्य। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्रा ब्लॉग से, और ये देखिए मैंने आपको धौलपुर के शेरगढ़ का किला जो है वो मैंने आपको दिखलाया। हालांकि ये लगभग खंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये चंबल घाटी चंबल के किनारे है और यहाँ चंबल के बीहड़ हैं। और सबसे बात ये है कि ये डाकुओं की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिसमें प्रमुख है बैंडिट क्वीन
तो मैंने आपको इस शेरगढ़ किले का अवलोकन कराया। और ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना प्लीज़। और मैं आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।